स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में। तो भाई मेरा नाम गरिमा है और मैं हूँ अभी जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका में। ये एक देश आता है और इन जगहों में मेरा पहली बार है। आप लोगों ने मेरी पुरानी अफ्रीका की वीडियोस देखी होंगी एंड आप लोगों को पता होगा कि मैं इस साइड कभी नहीं आई पहले। ये भाई पहली बार है तो सही एक्सपीरियंस जा रहा है फ़िलहाल अभी तक तो। बाकी आगे का सफ़र कैसा रहेगा वो देखते हैं। और अभी मैं भाई यहाँ पर लोकल्स के घर में रुकी हुई हूँ, ये मेरे को होस्ट कर रहे हैं इधर। तो भाई मेरे को आगे जाना था यहाँ से और 70-80 किलोमीटर कुछ ऐसा है सफ़र, बट ट्रांसपोर्ट का बहुत दिक्कत है इस तरफ। डायरेक्ट कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता और ये नेशनल पार्क एरिया है उस तरफ जहाँ पे हमें जाना है, तो थोड़ी दिक्कत है। और बारिशों का भी मौसम है तो रोड की भी दिक्कत है, तो बहुत सारे इशू हैं इसलिए हम नहीं जा पाए। बट फिर आज हमने यहाँ पर गुरुवे में स्टे करा और इन मैम साहब ने बोला कि आप लोग मेरे साथ रुक सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यार घूमते फिरते ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मदद कर देते हैं, सबसे सही बात तो ये रहती है घूमने फिरने की, और दोस्त बन जाते हैं बहुत लोग। तो एक ये बेनिफिट है घूमने का कि आप इतने लोगों से मिलते हैं और बहुत सही एक्सपीरियंस रहता है ये। बाकी यार इस तरफ जो ये देश है वहाँ पर मैंने नोटिस करा है कि ऑलमोस्ट हर एक के पास कार रहती है और यहाँ पर यार बाइक का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा नहीं है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे में बिल्कुल बोड़ा बोड़ा नहीं मिलेगा, सिर्फ टैक्सी और कार में ही लोग घूमते हैं, तो एक ये डिफरेंस आता है। बट बाकी तो अफ्रीका की वाइब तो आ रही है समहाउ, बट यहाँ के लोग थोड़ा अंग्रेज़ों की तरह भी बिहेव करते हैं कि ये भी बहुत डिफरेंस है। तो केन्या, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के तरफ के लोगों का बिहेवियर ऐसा रहता है। और बाकी यार इधर थोड़ी बहुत खेती भी कर रखी है गाँव के लोगों ने, और ये छोटा सा गाँव ही है, मैं टाउन तो नहीं बोलूँगी इसको, और सब बढ़िया। एंड थोड़ी देर में मैं आप लोगों को यहाँ पे अपने दोस्तों से भी मिलवाऊंगी। और बाकी यार चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जिम्बाब्वे के बारे में भी आप लोगों से इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि पुरानी वीडियो में मैं आपको जिम्बाब्वे की इन्फॉर्मेशन देना भूल गई क्योंकि बहुत बिजी दिन जा रहे थे, बट इस वीडियो में सारी बातें करेंगे। तो चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं। गुरु है एज यू नो एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड्स हियर हेलो Primrose. Hello. And please tell about yourself in my video. Okay, my name is Primrose and I'm a Zimbabwean. Yeah. And today I met Gerima in the bus. The bus where she was traveling to Mushumbi. Yeah. So it was getting dark and I decided to be a friend and give her the accommodation. Yeah. So that she will travel tomorrow safely. Yeah, she told me like if I go today maybe I will not find a second bus, and it was getting dark, it was raining a lot, and that's a forest area again, you cannot go out of the bus. So she said I should stay here today and go tomorrow. So thank you so much. And in Zimbabwe, where are you from? I'm from Nyanga. Okay, so she's from Nyanga. And let me introduce you to another friend. Hello. Hello, how are you? I'm good, you? I'm Justin. So and you're from which area in Zimbabwe? Sorry? Which area you are from? Okay, me, I'm from Chimanimani. And I'm glad to see you, a friend to Primrose. Actually, you're a friend of the family. I'm very glad, you know, to meet such a friend from India. And I'm very proud of you. I hope you come and again, I'm expecting you to see Zimbabwe more and more. We do have more places of interest in Zimbabwe. Yes, Suprabhat. आज का सफर हमारा शुरू हो गया है जिम्बाब्वे में मुशुम्बी की तरफ। From India. From India. That's okay. तो भाई यार गुरुवे टाउन ऐसा दिखता है सुबह सुबह, जैसा मैंने आपको बताया छोटा सा गांव ही है। और हेलो, गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, हाउ वाज योर डे? इट वाज वेरी नाइस, इट वाज नाइस, या आई स्लेप्ट सो कंफर्टेबली, थैंक यू फॉर होस्टिंग। ओह वेलकम, एंड यू शुड विजिट अस इन इंडिया। या आई विल, या
really I have to come. Yeah, so you should read the passport. I will arrange my money, then I will come. Sure. Yes. Once you have your passport, yeah, you let me know. तो यार मेरे एक दो दोस्त हैं जिन्हें इंडिया ज़रूर लेके जाना है एक दिन. एक तो यूसुफ जनाब है भाई तंजानिया से, और एक ये मेम साहब भी हैं, और एक मेरी सूडान की भी दोस्त हैं. तो यार नाउ वी आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स द बस टू मुशुमबी. तो यार ज़्यादा दूर जगह नहीं है, बट अफ्रीका में ट्रांसपोर्ट का दिक्कत है तो ये दिक्कत आ जाती है सारी. बट एनी वेज भाई सुप्रभात, बारिश का मौसम बन रखा है, आज भी चढ़ पा रही है तो देखते हैं क्या सफ़र रहता है. मैं आपको थोड़ी देर में बात करूँ. तो जनाब यार जहाँ पे मैं जा रही हूँ वो बहुत सुंदर, मतलब ये जो एरिया बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, और यहाँ पे बहुत तरह की ट्राइब्स रहती हैं, और ये ऑलमोस्ट 3 कंट्रीज़ का जंक्शन है. और जिस जगह हम पहुँचेंगे वहाँ से ही जाम्बेजी रिवर है जो वो मोजाम्बिक में एंटर होती है. तो मैप में ज़रा मैं देखती हूँ अगर फिल्म हो पाए तो, बहुत मस्त जगह है. मैं एक और बार यहाँ पे आना चाहूँगी कोई कार या बाइक लेके, क्योंकि ये बस में अच्छे से आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बट एक और बार ज़रूर ज़िंदगी में मैं इस जगह पे आना चाहूँगी. बहुत मस्त ज्योग्राफी है जगह की. और दूसरी बात यार ये कि भाई खाना सिर्फ तंजानिया इथियोपिया में मिलता है, उसके बाद तो वेजिटेरियन खाना अफ्रीका में बहुत मुश्किल है. बट मैं अफ्रीका को कुछ नहीं कहती, क्योंकि इतना तो समझ के ही आते हैं हम कि गांव की तरफ जा रहे हैं और टूरिज्म का इलाका नहीं है कि आपको हर चीज़ अवेलेबल मिले. लेकिन थाईलैंड पे यार बहुत अजीब लगा था मुझे, क्योंकि इतना फेमस जगह है टूरिज्म के लिए और तब भी ढंग के वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं अवेलेबल थे. बट यहाँ पे भाई केले खा के ज़िंदगी चल रही है अपनी, फ्रूट के साथ ही. तो यहाँ से आगे रोड जाएगी मुशुम्बी तक की. बट मैं कोशिश करती हूँ यार अगर मैप में आप लोगों को दिखा पाऊँ. तो ये भाई मेरा फ़ोन है, आप लोग देख सकते हैं. ये मोजाम्बिक है, ये जिम्बाब्वे है, और ये जाम्बिया है भाई. तो यहाँ से जाम्बेजी रिवर मोजाम्बिक एंटर होती है, और हमें यहाँ पर जाना है जंगल की तरफ. तो मतलब बहुत सही एरिया है, मैं स्क्रीनशॉट भी डालूंगी मैप का. और अगर आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे इस तरफ जाम्बिया में या मोजाम्बिक में या जिम्बाब्वे में, इस एरिया में ज़रूर जाइएगा, एक्सप्लोर करिएगा, मज़ा आएगा घूमने में. और मतलब यार मैप में बहुत सुंदर दिख रहा है ये पूरा जंगल का इलाका. कैन गिव मी 1 मिनट मेट इज़ ओके. तो भाई यार मैं कुछ खाने पीने का खरीद रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ढंग का वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है. तो ये दिक्कत वाली बात है, जब तक हम किसी होटल या चिप्स की दुकान पे नहीं पहुँच जाते तब तक मुश्किल रहेगा. एंड बिस्किट यू डोंट हैव मोर कोल India. Not from India. Yeah, I'm from India. You like India? Yeah. Hey, do you watch Z World? What? Do you watch Z World? Yeah. Okay. So I take some apples. So do you know Indian actresses like Pragya? I just watch them on the TV. I don't know them. Okay. Yeah. How much? $2. Yeah. 50. How? 12 cents. 50 cents. 12 and 12. Yeah. It's not 50. Okay. 0.25. 12 cents. Yeah. About
Kalari police station. Okay. Yes. But right now working in this area? This area is Mahue. We are in routing to Kanyemba. Okay. Yes. Yeah. Thank you so much. So it's almost 115 kilometers from here. Okay. To Kanyemba. Okay. Yes. Nice. So yeah, thank you so much, Kofi and Mukunda. Okay. तो भाई यार ये मेरी तीसरी या चौथी लिफ्ट है तो यार तो भाई इस गाड़ी ने मुझे ड्रॉप करा है मुशुम्बी तक, आप लोग देख सकते हैं। और किसी छोटे से गांव से ही आई थी मैं मुशुम्बी की तरफ। दो ट्रांसपोर्ट हमें लेने पड़े, यहाँ पे कोई डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं है। जिम्बाब्वे का वन ऑफ द मोस्ट लोकल एरिया में आता है ये जगह, तो स्वागत करते हैं आप लोग का यार इंटीरियर एरिया में। यहाँ पे एक दो चीज़ें फेमस हैं बट तब भी टूरिज्म नहीं है बिल्कुल भी, ऑलमोस्ट ना के बराबर। ऐसा क्यों है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि एक तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे इधर जिम्बाब्वे में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है तो टूरिस्ट आना पसंद नहीं करते। एक वो वजह भी हो सकती है क्योंकि सुपर एक्सपेंसिव। बट मुझे सफ़र में इतने अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं कि मेरा खर्चा हो ही नहीं रहा है, बहुत नॉर्मल खर्चा हो रहा है अभी तक। मैं यहाँ पे 5 दिन रही हूँ लेकिन उसमें से ऑलमोस्ट एक दिन मेरा फ्री में अपग्रेड हो गया था रूम, और 2 या 3 दिन मुझे एकोमोडेशन भी फ्री मिल गई। तो आई गो विद यू। ओके तो बट यार आई कम बैक एंड मीट यू, राइट नाउ आई गो। तो भाई यार ये छोटा सा गांव है मुशुम्बी का जो मैं कह रही थी आप लोगों को। अभी हमें एक जगह जाना है तो बोडा बोडा बाइक में चलेंगे। तो जैसे मैंने बोला गांव में बॉर्डर की तरफ बाइक मिल जाएंगी मोजाम्बिक तंजानिया वगैरह के बॉर्डर पे, बट वैसे बाइक का ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो एनीवेज बाय। सही भाई, बहुत हसमुख लोग हैं जिम्बाब्वे के यार। लोग पता नहीं क्यों कहते हैं बहुत डेंजर कंट्री है, मैंने लोगों से सुना है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मेन सिटी में डेंजर है, जहाँ जो तो इंडिया में भी हो सकता है, सब जगह होता है। बट गांव में वैसे लोग बहुत हसमुख, बहुत हेल्पफुल हैं। तो अगर जिम्बाब्वे आ रहे हैं तो ज़रूर आना और घूमना, बहुत मज़ा आएगा। मुझे तंजानिया जैसी वाइब आ रही है। ऑफकोर्स ओशन वगैरह नहीं है यहाँ पर बट फिर भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो आई एम इन्जॉइंग जिम्बाब्वे।